कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लागू देना चाहिए? क्या इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? इनके खतरनाक मंसूबों को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से देशवासियों को जगाना चाहिए कि नहीं जगाना चाहिए? साथियों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये खतरनाक खेल आपकी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगा। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। साथियों, ये मुझे सवाल पूछते हैं, 400 पार 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के, आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। और मैं स्वयं उस समाज से आया हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं इस दर्द को जानता हूं और मैं आपको रक्षण दे करके ही रहूंगा, और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। साथियों, आपको चोट पहुंचाने के लिए कांग्रेस इतने पर ही नहीं रुक रही। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे हैं एक्सरे करेंगे। और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं, तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। आपको ये मंजूर है क्या? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, अगर मेरा विषय समझते हो तो, ये आपको मंजूर है क्या? आपके पास अगर एक घर गांव में है और एक घर आपने शहर में ले लिया, दो घर है, तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। अगर आपके पास दो गाड़ी है तो एक गाड़ी कांग्रेस की सरकार ले लेगी, ये उन्होंने घोषित किया है। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये करने देंगे क्या?
आपसे ये सब कुछ छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, वो संपत्ति को बचाते हैं, अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं, बड़ी मेहनत करके मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है। अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों, भारत के समाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है। कांग्रेस को भारत के पारिवारिक मूल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग जीवन भर कुछ न कुछ जोड़ते हैं ताकि अगली पीढ़ियों को देंगे, पोती नाती को देंगे, और यही हमारे देश की परंपरा है, स्वभाव है, संस्कृति है। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस का मंत्र है ये याद रखना, घर घर पहुंचाना। मेरी बात पहुंचाओगे घर घर? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट।